अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ आप रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो दोपहर का टाइम है और समी के बाबा जो हैं वो काम से भी आए हैं, तो ये थोड़ा सा फ्रूट ले के आए हैं समी के लिए, और ये सब्जी लेके आए हैं। तो आज हम जो है वो आपसे जो शेयर करने वाले हैं आगे दोपहर की रूटीन है, तो खाना बनाने की रूटीन तो वो शेयर करने वाले हैं। तो चलें उसके बाद जो है ना वो काटते हैं, मसाला बनाते हैं सब, तो फिर आपसे मिलते हैं। आप अभी रुकोगे ना कि चले जाओगे? नहीं, मुझे अभी जाना है। वापस जाओगे जी? तो चले, समय लगा के बाबा ने भी वापस जाना है, तब तक तो गैस भी आने वाली है, तो हम जो है ना वो आपसे ये आज गोभी की रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे कि हमारे तरीके से जो गोभी की सब्ज़ी है, आलू गोभी की सब्ज़ी, वो मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो आपसे शेयर करते हैं। तो अगर अच्छा लगे लोग तो हमारे हमें जो है ना कमेंट्स में बताइएगा। और आपसे पहले रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें, तो हमें आइडिया दिया करें, बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलें आगे जो है आपसे इसको पहले काटते हैं, मसाला बनाते हैं, तो फिर आपसे आगे जो है वो शेयर करते हैं। तो हमारा सारा तैयार हो गया है, तो हमने ये फूल गोभी भी काट ली, आलू भी काट लिए, सारा मसाला भी, तो अब बनाने की जो है तैयारी करते हैं। तो साथ साथ हमारे रहिएगा और देखिएगा हमारी रेसिपी फूल गोभी और आलू की कि कैसे बनाते हैं हम। तो चलें आपको दिखाते हैं कैसे तैयार करते हैं इसको। ऑयल ही ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा ऑयल डाल लूँ। समीर बाबा ऑयल ख़त्म हो गया, ले के नहीं आ? ले आए। ये तो व्यूअर्स, ये हमने कढ़ाई को जो है वॉश कर लिया है, तो अभी इसमें इसमें डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ऑयल डाल लिया। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये प्याज जो है हल्का ब्राउन करेंगे, तो फिर इसमें जो आगे आगे बाद में चीज़ें डालेंगे वो भी आपको मसाले डालेंगे, वो भी खाते हैं आपको बाद में। थोड़ी देर में हम जो है ना अदरक लहसुन पीस लेते हैं। ये मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, इसमें ही जो है ना मैं करती हूँ, मुझे वो मशीन वाला जो है ना अच्छा नहीं लगता, उसका जायका नहीं अच्छा आता। और मैंने पीस के कभी फ्रिज में भी जो है ना स्टोर नहीं किया, फ्रिज में भी कभी नहीं रखा, मैं इसी में पीसती हूँ, ताज़ा ही डालती हूँ, और बहुत मतलब के जायका बनता है खाने का। ये तो व्यूअर्स ये हल्का ब्राउन हो गया, इसके अंदर मैं अब डालूंगी टमाटर और मिर्ची, मैंने कुछ सब्ज़ काटी हुई है वो ला के डालते हैं, वो ला के डालते हैं।
इसके अंदर अब टमाटर और मिर्ची मैंने काटी है थोड़ी सी सब्ज़, तो वो अब डालूंगी। ये देखें प्याज जो है इतना ब्राउन हो गया है, इतना ही करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अब जाएंगे टमाटर। मैंने टमाटर डाल दी, मिर्ची डाल दी, हो गया है नरम हो गया है। ये देखें टमाटर को हमने जो है नरम करना है, वो थोड़ा सा हल्का सा हो गया है नरम। अब इसके अंदर जो है ना वो हमने जो पीसा है वो डालेंगे लहसुन और अदरक, तो वो डालते हैं। अब इसका पेस्ट डालते हैं। इसके साथ जो है ना थोड़ा सा इसको बनाई करेंगे, तो फिर बाद में जो है सब्जी डालेंगे इसके अंदर। बाद में मैं इसमें डालूंगी सब्जी, हमारी जो फूल गोभी और आलू की सब्जी है वो डालूंगी इसके अंदर मैं। गोभी को वाश कर लेते हैं इतनी देर में। इसके अंदर भी मैंने जो है ना हरी मिर्च जो है ना वो साबुत डालूंगी थोड़ी सी। मिर्ची का होता है किसी ने ज़्यादा काम खानी हो तो फिर मसला नहीं होता। समी के बाबा कम खाते हैं तो मैं जो है ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना साबुत मिर्च सब्ज मैं आपके लिए ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में या खाने में कोई भी बनाऊँ तो। इसको अच्छी तरीके से वाश करना पड़ता है। इस मौसम की जो फूल गोभी है ना वो साफ करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। पहले काटना भी जो है ना एहतियात से पड़ता है इसको देख देख के, इस मौसम की जो होती है ना उसके अंदर को कीड़ा ना हो इस वजह से जो है ना। तो मैंने बहुत एहतियात से काटी है देख देख कर। इसके अंदर अब डाल के मसाले, कुछ मसाले जो मरा हो गया भून गया मसाला, तो इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, एक चम्मच हल्दी, नमक और मिर्ची मेरी ख़त्म हुई है, अभी मैं निकालती हूँ तो फिर डालती हूँ। ये तो ये हम एक चम्मच डालेंगे इसके अंदर जो है ना सुरख मिर्च, बस। ये तो व्यूअर्स इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अभी गोभी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो व्यूअर्स ये मैंने ना मसाले के साथ गोभी को जो है ना मिक्स कर लिया है। ये देखें अच्छी लुक आ रही है ना। तो आलू जो है ना उसको मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी, वो फिर गलते नहीं सही तरीके से, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी जो फाइनल लुक है फिर आपको बाद में अब दिखाते हैं कि कैसी बनी है। बस ये देखो सब्जी हमारी रेडी हो रही है। अभी इसके अंदर जो है ना मैं डालूंगी आलू, आलू थोड़े से हो गए हैं गल गए हैं तो मैं फिर अभी डाल दूंगी इसके अंदर, तो फिर कुछ जो रहते होंगे वो इसके अंदर पक जाएंगे। तो
हमने इसके अंदर डाल दिए हैं आलू भी। तो अभी ये पकेगी तो खुद दिखाते हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो ऐसे अच्छी लग रही है। आप कमेंट्स करके बताइएगा हमारी रेसिपी, हमारी ये फूल गोभी की आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी और पकी हुई कैसी लग रही है। और इधर समी के बाबा के लिए फ्रूट काटते हैं, वो काम पे अभी जा रहे थे तो अब नहीं जा सकते, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बीपी लो हो गया है। तो अभी मैं उनके लिए जो है वो फ्रूट काटने लगी हूँ, तो फ्रूट काटते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। और देखते हैं समीउल्लाह भी जो है ना। अस्सलामुअलैकुम। आ गए स्कूल से? वालेकुम सलाम। खोलो दरवाज़ा, लो मैं खोल दूँ। कैसे बैग को पकड़ा हुआ है, पहना क्यों नहीं हुआ, गर्मी लग रही थी? देखो व्यूवर्स इसको पसीने पर देखो कैसे आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दे रहा हो गया, ये देखें कैसे पसीने से भरा हुआ है, गर्मी लग रही थी ना। ये देखें पीछे से दिखाएं, ये पीछे से कर लेना ना, सारा गीला हो गया, पसीना आ गया ना, पीछे से दिखा। ये देखें व्यूवर पसीनों पसीनी हुआ हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए भी मसला है। जब छुट्टियाँ थी तो तब क्या हुआ था, तब तो बारिशें हो रही थी। हाँ तो अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो गर्मी स्टार्ट हो गई है। और ये कपड़े मैंने सुबह के जाए पे रखे हुए, मैंने कहा अलमारी में रखूँगी तो वो फिर इधर ही रख के तो याद भूल गया है। तो चलें फिर काटते हैं फ्रूट अब, तो फिर ले कर चलते हैं समीउल्लाह के लिए और समीउल्लाह के बाबा के लिए, तो फिर आपसे मिलते हैं। काट लूँ मैं फ्रूट, काट लूँ अब जी। तो हमने काट लिया है फ्रूट, तो अब ले कर चलते हैं उनके पास। क्या हुआ, शर्ट उतार के आ गए? चले उनको देते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं? समीउल्लाह के बाबा ये ले, मैं आपके लिए काट के लेके आई हूँ, थोड़ा सा इसको खाना। अभी व्यूवर्स नहीं, ये देखें नज़र आ रहा है तबीयत ख़राब हो गई है। तो खाना अभी मैंने इनको बोला तो इन्होंने बोला है कि मैंने खाना नहीं, अभी खाना मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चले फ्रूट खा लें। तो समीउल्लाह ने आते ही शर्ट उतार दी है, गर्मी थी ना। समीउल्लाह सलाम कर लो, फिर चले जाएंगे आप काम पे, चले थोड़ी देर रेस्ट कर ले फिर चले जाइएगा। तो आप खाएं फ्रूट, तो मैं फिर देख लूँ खाना जो बना रही हूँ। सीधे हाथ से खाओ समीउल्लाह, आप बेटे शिजादा बेटा ऐसे सारा भीगा हुआ था पसीने में वो बड़े वाली गुठली, हाँ पूरी दे दो, गुठली खिला रहा है। व्यूवर से ले खा ले, कह रहा है हमारी यूट्यूब फैमिली भी खा ले फ्रूट। चले आप खाएं तो फिर मैं देखती हूँ सालन कहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने उनको दिया है अभी फ्रूट काट के, वो खा रहे हैं, तो हम देखते हैं अपना खाना कहाँ तक पहुँचा है। ये तो व्यूवर्स ये देखें हमारा सालन तैयार हो चुका है, जो रेसिपी हमने फूल गोभी और आलू की बनाई थी वो तैयार हो चुकी है बिल्कुल। इसमें अब सिर्फ धनिया डालूंगी मैं, और चूल्हा बंद करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डाल के।
ये इसको हल कर देते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं इसके अंदर। चलो तो ये फाइनल इसकी जो है ना लुक है। तो आप बताइएगा हमारी जो है ये फूल गोभी और आलू की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलें फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक और नए टॉपिक के साथ। तो चलें आज की वीडियो हमारी जहाँ तक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी है। और चलते हैं फिर, दुआओं में याद रखना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।